वेलकम बच्चों, आपका केमिस्ट्री इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों ये आपकी केमिस्ट्री क्लास है, क्लास 10th की। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और इस क्लास में आप पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल। ये आपका चैप्टर 3 है। कल भी आपकी केमिस्ट्री क्लास चली थी और आज फिर सेकेंड क्लास है आपकी। तो कल हमने आपको बताया था एलिमेंट्स के बारे में। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में 118 एलिमेंट ज्ञात हैं, जिसमें से 94 नेचुरल है और 24 सिंथेटिक है। अब मेटल के बारे में बता चुके थे हम बच्चों कल आपको। मेटल किन्हें कहते हैं? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं, और जो हार्ड होते हैं, जो मेलेबल होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, और जो ब्रिटल नहीं होते। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं मेटल। चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। नॉन मेटल जस्ट मेटल का अपोजिट है। और मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटल जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की बीच की दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है बच्चों? मेटल और नॉन मेटल के बीच की कड़ी है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों आप कल पढ़ चुके थे, ठीक है? तो हम उनमें मेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा था बेट कल आपने बच्चों। मेलेबिलिटी क्या होता ही थी, हमने थोड़ा सा डिविजन करा रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैं नए टॉपिक पर आता हूँ। बच्चों एक शिकायत मुझे मिल रही है, आप लोग क्या करते हैं हमारे जो चैप्टर है उन्हें आप पूरा नहीं देखते, थोड़ा पार्ट देखते हो और बंद कर देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है और उसको फिर नोट करना है अपनी नोटबुक में। जब स्कूल ओपन होंगे तो आपकी ये होमवर्क चेक किया जाएगा। और इतना कहा है बताने के लिए, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सभी नोट करना है। मैंने अपनी वीडियो में उतना ही मटेरियल रखा है जो आपके लिए उपयोगी है और जो से हम वीडियो में कराएंगे, स्कूल में भी कराएंगे, ठीक है बच्चों? चलिए जरा मेलेबिलिटी क्या बताई थी बेटा हमने आपकी। मेलेबिलिटी जो है आपकी द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी हैमर्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। बेटा मेलेबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या करते हैं हम लोग उसको हैमर से पीटने पर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा हम लोग मेलेबिलिटी। सबसे अच्छी मेलेबल मेटल कौन सी है? उसका आंसर बच्चों एल्यूमिनियम। फिर एक टॉपिक आता है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है बच्चों? डक्टाइल मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिससे के कारण मेटल के पतले और बारीक तार ड्रॉ किए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं हम लोग बच्चों डक्टिलिटी। सबसे अच्छी डक्टाइल मेटल गोल्ड है। 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग करीब 2 किलोमीटर लंबा वायर ड्रॉ कर सकते हैं। याद है बच्चों कितने किलोमीटर का वायर? 2 किलोमीटर का। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों लक्षर। लक्षर का मतलब है लक्षर इज रेफर टू द शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल। डिफरेंट टाइप मेटल हैज डिफरेंट शाइनिंग सरफेस लाइक अ गोल्ड इज येलोइश, एल्यूमिनियम ग्रे एंड कॉपर येलो वाइट। ओके बी रिमेम्बर। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे आप लोग, हम डिफरेंस पढ़ चुके थे मेटल और नॉन मेटल में। आज पढ़ने वाले हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। बच्चों हमने इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल शो फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल जो है निम्नलिखित केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी हमने कल ही बताया था मेटल्स हैज टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड मेक अ कैटायन। यानी मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बनाने की प्रॉपर्टी रखती है। सच अ एग्जांपल लिखा हुआ मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर दैट इज दे हैव टेंडेंसी टू मेक द कैटायन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस ऑन इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन दे आर ऑब्टेन कैथोड। ठीक है यानी हम एग्जाम्पल है बच्चों इसका Na++ E-। यानी Na ने अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या बनाता है? Na+ यानी सोडियम आयन बनाता है। और ऐसे ही मैग्नीशियम, इफ मैग्नीशियम डोनेट टू इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम कन्वर्ट इन द मैग्नीशियम आयन Mg2+ एंड एल्यूमिनियम डोनेट द 3 इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इन टू एल्यूमिनियम आयन Al+3। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
बच्चों मेटल क्या करती है, इतनी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बनाती हैं, और इन मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। कैसा नेचर होता है बच्चों आपका, बेसिक, ठीक है, यानी मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। चलो पढ़ते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मोस्टली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल, बट ऑक्साइड सम मेटल एल्यूमिनियम जिंक एंड टिन एम्फोटेरिक इन नेचर। बच्चों मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बट एल्यूमिनियम जिंक और टिन के, एल्यूमिनियम जिंक और टिन के एम्फोटेरिक होते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है आपका जिनमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। चलिए बच्चों आगे, रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या इफेक्ट होता है बच्चों, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी। चलिए एक्सेप्ट नोबल गैस, नोबल गैसों को छोड़कर, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, नोबल मेटल छोड़कर, नोबल मेटल कौन कौन से बेटा हमारे, जितनी प्रीसीज मेटल्स हैं वो नोबल मेटल्स हैं, कौन कौन से, गोल्ड सिल्वर कॉपर प्लेटिनम और मरकरी। और अदर मेटल जनरली रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड, सच एग्जाम्पल Mg प्लस 2H2O, MgOH का होल टॉइज प्लस H2O। कुछ ये रिएक्शन बनी हुई किस तरह, ध्यान देखना जरा, Mg प्लस H2O, बेटा H2O ब्रेक होगा आपका दो में, H हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। जब यानी Mg पर वैलेंसी होती है बेटा आपकी Mg प्लस 2, ठीक है, यानी प्लस वाली वैलेंसी नेगेटिव साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, Mg OH का होल टॉय, बचा हुआ हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या बताया बच्चों हमने आपको, Mg प्लस 2H2O गिव्स MgOH का होल टॉय प्लस H2। अब ये था हॉट वाटर के साथ में, अगर हम लोग करते हैं स्टीम के साथ रिएक्शन Mg की, तो क्या करेगा बेटा यहां पर स्टीम यानी H2O डायटिक अलग, H2O डायटिक अलग हो जाएगा किसमें आपका, H प्लस और O माइनस 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस 2 होती है बेटा, ये सारी वैलेंसी पढ़ाएंगे आपको स्कूल में, ठीक है, तो नाइन्थ में पढ़ाई जा चुकी है, मगर फिर भी हम आपका रिवीजन करा देंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब होगा क्या यहां पर, Mg पर कितनी वैलेंसी होती है प्लस 2, BMg का सर बड़ा, कौन सा, BMg का सर बड़ा, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सब की वैलेंसी होती है प्लस 2, यानी तो Mg भी इनमें से एक है, तो Mg वैलेंसी प्लस 2 हो गई। ऑक्सीजन O सही से टीपो, O सही से टीपो, इन सब की वैलेंसी होती है बच्चों प्लस 2, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी इनमें से एक है, ओ सॉरी माइनस 2, और इनकी होती माइनस 2, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम तो आपस में बैलेंस हो जाएगी नेगलेक्ट, तो क्या बन जाएगा आपका MgO, क्या बन गया आपका MgO, बचा हुआ H किसमें कन्वर्ट हो गया आपका H2 में, हाइड्रोजन में। तो इनको आप बेटा जितने में पढ़ा रहा हूं आपको नोट कर जाएंगे सिंपल से ऐसे ही। अब बच्चों क्या होता है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, यानी क्या होगा इतनी भी मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। तो सीधा आपको याद रखना है इसको, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस आ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या कुछ करते हैं, लिबरेट द हाइड्रोजन गैस एंड फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, और कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, बच्चों मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड, सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स मैग्नीशियम हाइड्राइड। चलते हैं बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो बच्चों जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऐसे ही यहां पर होता है बच्चों
इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पढ़ लेते हैं। जनरली नॉन मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, जो जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो होती है हमारी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। बट इफ दे हैव टेंडेंसी मेक एन आयन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये लोग क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाती हैं, एन आयन बनाती हैं। जैसे एफ फ्लोरीन, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बना दिया, फ्लोरीन आयन एफ माइनस। ऑक्सीजन ओ, ओ की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों, आपकी थोड़ी देर पर बताई थी हमने, दो, तो दो वो टू इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन आयन। ऐसी नाइट्रोजन वैलेंसी होती है बच्चों तीन, ना पहले ऐसे सब बीता, यानी नाना पाटेगर असरानी सब बीमार, इन सब की वैलेंसी होती है बच्चों आपकी माइनस थ्री, समझ में आ गई, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये थ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन आयन। चलते हैं बच्चों हम लोग रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इतने भी नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कार्बन सी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना दिया, CO2। सल्फर एस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना दिया, SO2, सही है बच्चों। जैसे CO2, चलिए आपको केवल इसको इतना ही नोट करना है, यहां से यहां तक, और हाँ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक और न्यूट्रल, यहां तक नोट करना है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, आपको रिएक्शन विद एसिड्स, इतने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, C+H2SO4 गिव्स 2H2O, 2SO2 और CO2। C क्या बच्चों, कार्बन, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, केमिस्ट्री में केवल तीन मेन एसिड है, कौन कौन से, H2SO4, दूसरा HCl, तीसरा HNO3, याद रखना H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl क्या है बच्चों, कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। चलिए बच्चों आगे, अब रिएक्शन विद क्लोरीन, इतनी भी नॉन मेटल्स हैं, हाँ नोट करने के लिए बच्चों यहां से लेकर इसको यहां तक नोट करना है आपको, और क्लोरीन ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक, तो रिएक्शन विद क्लोरीन, सम नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड, यानी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसको बच्चों, आपको क्या है वीडियो पूरा देखिए, वो जिधर नोट करने को कहा है करते रहिए, इसको फिर बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ मैं, स्कूल खुलने के बाद में आपके वर्क चेक होंगे। आते बच्चों नए अगले टॉपिक की ओर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या, रिएक्शन हाइड्रोजन, देखिए नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डेंस हाइड्रेट बनाती हैं, ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, N2+3H2 गिव्स 2NH3, यानी N की कितनी वैलेंसी बताई बच्चों मैंने आपको, -3, N की कितनी वैलेंसी बताई बच्चा हमने आपको, -3, और H की +1, तो क्या बन जाएगा, ये वैलेंसी यहां आ जाएगी, तो ये हो गया NH3, क्या है अमोनिया, अगर आपका आ जाए N3H, क्या आ जाए N3H, ये क्या होता है हाइड्रोजोइक एसिड, याद रखना आगे वाला टाइम पढ़ेंगे जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी, ठीक है। अब C+H2 यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे आपका मीथेन CH4, S+H2 तो मिले बने बेटा आपका सल्फर डाई, गलत लिखा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, लिखा क्या लिखा बेटा अपना, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या ना हाइड्रोजन सल्फाइड, चलिए अब बच्चों पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा देता हूं,
ये टर्म उसमें आएंगे, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। देखो सिलेबस पढ़ना समझना अपनी जगह है, और उसमें जो उसका फंडामेंटल है वो समझना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि फ्यूचर में और एग्जाम में वो फंडामेंटली आपके काम आता ज्यादा। ठीक है बच्चों, चलिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? व्हेन ए रोड ऑफ एनी मेटल इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड एंड सिमल्टेनियस सॉल्यूशन गेट्स इक्वल पॉजिटिव चार्ज, सच टाइप ऑफ रोड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया? देखिए, जब एक रोड को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है, तो उस मेटल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। यानी जब किन्हीं रोडों को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डाला जाए तो उन रोड पर एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब बस होगा कितना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये रोड कहलाती है बच्चों हमारी इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, अब जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर क्या होता है बच्चों हमारा, नेगेटिव चार्ज होता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन ए रॉड ऑफ एनी मेटल डिप्ड इन सॉल्यूशन, जब किसी रॉड को मेटल सॉल्यूशन में डाला जाता है, ऑफ इट्स साल्ट, उसी साल्ट में, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोड्यूस होने के कारण मैट्रिक सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ मेटल। ये जब, फिर से समझा देता हूं बच्चों, व्हेन ए रॉड, जब किसी रॉड को एनी मेटल, व्हेन ए रॉड ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल की रॉड को उसी सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, ठीक है, उसके पोटेंशियलों के डिफरेंस के कारण मेटलिक रॉड के सॉल्यूशन में वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है दोनों रोडों के बीच में, तो उसे कहते हैं लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। ठीक है, अब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट चीज, जब किसी रॉड को किसी उसी मेटलिक सॉल्यूशन में वन मोलर कंसंट्रेशन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल प्रोड्यूस अ मेटल सॉल्यूशन, वो जो इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। जब किसी रॉड को उस मेटलिक सॉल्यूशन के वन मोलर कंसंट्रेशन में 25 डिग्री सॉल्यूशन पर 25 डिग्री सेल्सियस पर डालने पर उस पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, उस पोटेंशियल को ही कहते हैं बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो अज्यूम किया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखो कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज की वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए।